आप चुप आए थे, मैं थूकेंगे अंदर। एक बार आया था कहाँ, इस छे से आए थे। चलो भाई चलते हैं, बाहर ठंडा लग गया मुझे तो। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। गाइस एक बार फिर से आप सभी का अपना चैनल उत्तराखंड ब्लॉग्स वाला में स्वागत है। एक सेकंड में जरा सीढ़ी चढ़ता हूँ। तो भाई जो आज का ये ब्लॉग है, इस ब्लॉग में चलते हैं कहाँ बताता हूँ आपको। यहाँ गोपेश्वर में पड़ता है एक वैतरणी, मतलब कुंड है यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा। तो उसमें मतलब मछलियाँ भी पाई जाती हैं, हालाँकि अभी तो कम हो गई, बट फिर भी हैं छोटी छोटी मछलियाँ, लगभग 3-4 इंच इतने तक की रहती है। इससे पहले भी आया हूँ मैं कई बार, तो मुझे पता है। तो अभी चलते हैं वहाँ और देखते हैं वहाँ कैसा है अभी, और चलो फिर चलते हैं। भाई अभी पहुँच चुके हैं मैं मंदिर पे, मतलब बैतरणी मंदिर पे कुंड है, और इसके ऊपर पे मतलब कुंड के ऊपर पे मतलब यार मंदिर है, मतलब 6-7 मंदिर अभी मैंने काउंट करा, भूल गया था मैं सॉरी। और अभी आपको दिखाता हूँ। तो जो ये मंदिर का डिज़ाइन है, मतलब ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो अगर आप इनको देखोगे तो वास्तव में आप बोलेंगे कि यार मतलब कितने पुराने मंदिर है। हालांकि ये पुराने मंदिर नहीं है, मतलब मंदिर तो नए हैं लेकिन जो इनका डिज़ाइन है ये काफ़ी ओल्ड है। तो अभी आपको पूरा दिखाता हूँ, आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा इधर मंदिर। और बाकी कुंड अभी इसके नीचे है। और अभी मैंने आपको बताया, ये राहुल है मेरे साथ, ये भाई भी वीडियो बना रहा है यूट्यूब के लिए। तो राहुल का चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मुझे चैनल नाम याद नहीं आ रहा, क्योंकि भाई का चैनल का नाम थोड़ा लंबा है, एनसीसी से रिलेटेड था, लेकिन अब उसमें सब वीडियो डालता है, तो आप लोग वो भी चेक कर लेना एक बार। तो चलो चलते हैं, और पहले आपको ये मंदिर दिखाता हूँ मैं आपको अंदर जाके। पहुँच चुका हूँ जो बैतरणी कुंड बताया था मैंने, ये रहा। इस पर ये बाकी गंदगी ना हो कहके तो ये जाले लगा रखे, और बाकी आप अंदर देख सकते हैं पानी और मछलियाँ तो है भाई। मैंने आपको अभी 3-4 इंच बताया, लेकिन 6-7 इंच से बड़ी मछलियाँ यार इधर। तो अभी आपको अंदर जाके दिखाता हूँ, और बाकी उससे पहले आपको अंदर नाग देवता है उनको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, इधर देख सकते हैं आप, यहाँ पर नाग देवता है अंदर, और इधर घंटी रही। और अभी चलते हैं इसके अंदर, अंदर चलते हैं, और अभी करते हैं यहाँ पे पैंट ऊपर। और भाई मेरे तो पैंट तो गन्ना लग गया। और इधर देख चलते हैं, आप ये धारा देख सकते हैं यहाँ पे। चलो भाई अंदर चलते हैं। अभी उतरता है नीचे पानी में ही उतरता है। देख सकते हैं भाई पूरे पैंट ऊपर करने पड़ गया मुझे। और इधर, और अभी तो यार हमने थोड़ा बहुत यहाँ पे साफ भी करा, मतलब दोनों मतलब समझते हैं लोग कबाड़ा कर देते हैं यार। तो भाई जिन्होंने बेल आइकन ऑन नहीं कर रखा, वो लोग बेल आइकन को ऑन कर देने एक बार चेक कर दें आप लोग प्लीज़।
अब तो अब क्या हुआ, गन्ना हो गया? पानी जा रहा है, ठंडा हो गया, ठंडा हो गया यार। अब तो गर्मी आ गई, पानी कम है ना, अब तो पानी कम है। शाम सुम भी आते हैं, शाम सुबह आए थे, थूकी में अंदर एक बार आया था, हाँ इस छह से आए थे, थूकने नहीं चाहिए अंदर, थूकने नहीं चाहिए ना। आजकल मछलियाँ तो काफी बड़ी हो गई यार इधर ना। हाँ आजकल कोई नहीं आ रहा खाने के। पहले इसलिए बड़ी मछलियाँ होते हो गया, एक मछली मर रही है, निकाल नहीं पड़ते निकाल दो ना, तो वो आती नहीं आप, और निकाल नहीं चाहिए महिला। चल बे मछलियां भाग गई होगी सारे। चलो भाई चलते हैं, बाहर ठंडा लग गया मुझे तो यार। चलते हैं घर की तरफ, अब धीरे धीरे तो अंधेरा भी होने वाला है, और थोड़ी आपको इधर अभी नज़ारा दिखाता हूँ। काफ़ी अच्छा मौसम लग रहा है अभी, मतलब हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं, फिर मतलब यार समझ सकते हैं आप लोग। आपको एक सेकंड कैमरा बैक करके दिखाता हूँ मैं अभी। गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो भाई आपको पता है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और वीडियो को शेयर करना है। और जो लोग अभी नए हैं चैनल पे, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। और फिर भाई मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, और तब तक क्या करना है आपको अपना ध्यान रखना है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर तो कर देंगे। और अभी बताया मैंने आपको, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भद्र विशाल, और वंदे मातरम, टाटा बाय बाय।